आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की जो भी टॉपिक है आपकी महत्वपूर्ण संगठन और उन वो जो रिपोर्ट जारी करता है, जो इंडेक्स जारी करता है, उनके बारे में जरूर आप लोग विस्तार से जानकारी इकट्ठी कर लिया करिएगा और याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट भी बनते रहते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी, और आप देखते हैं वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और आप अगर कहीं भ्रष्टाचार पर आंसर लिख रहे हैं या फिर निबंध लिख रहे हैं तब भी आप इन पॉइंटों को उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप लोगों को भी भारत में रहते हैं और भारत देश के बारे में आप लोगों को जानने की इच्छा है कि हमारे यहाँ देश में कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह से है, सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है, तब भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और वैसे आप लोगों को बता दूं कि भ्रष्टाचार में हर कोई लिप्त है, आम आदमी से लेकर ऊपर बैठे गद्दी तक हर कोई। आप समझिए, आपकी अगर कहीं गाड़ी पकड़ जाती है, आप लोग पहली बात तो आप लोग कागज नहीं लिए होंगे, डॉक्यूमेंट जो भी रहते हैं उसके, या फिर मान लीजिए हटाइए गाड़ी को, हटाइए अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है और आपके डॉक्यूमेंट भी सही है, तो आप लोग क्या करते हैं कि सामने वाला काम नहीं कर रहा है तब भी आप लोग कह देते हैं लीजिए 500 रुपये पकड़िए मेरा काम कर दीजिए। तो भ्रष्टाचार को आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब तक कि आप लोग खुद ना चाहें तब तक ये देश से हटने वाला नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग खुद जन्म दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। और भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये संस्कृत के दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो भ्रष्ट और दूसरा है आचार। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भ्रष्ट का मतलब होता है कि गिरा हुआ, जिसका एक तरह से पतन हो चुका है, समझ रहे हैं, अपने जो कर्तव्य है उसका उसे छोड़ चुका हो, उसे आप लोग क्या कह देते हैं भ्रष्ट कह देते हैं। और आचार का मतलब होता है कि उसका चरित्र चाल चलन व्यवहार, यानी कि कहने का मतलब है कि उसका व्यवहार गिर चुका है, उसका चलन गिर चुका है, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका 2020 यानी कि 2020 का जारी किया गया है। कौन जारी करता है? हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा, या फिर प्रारंभिक परीक्षा स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस में इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में आपको विचार करना है। नीचे तीन आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसे कौन जारी करता है। तो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, ये इसे जारी करती है, ठीक है, याद रखना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान 6 पायदान फिसल कर 86वें नंबर पर आ चुका है। आप समझ रहे हैं, इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। इसकी जब एक तरह से रैंकिंग दी गई है तो उसमें 180 देशों को सम्मिलित किया गया है। 180 देशों में हमारा नंबर क्या है? 86वां नंबर है। आप लोग इस तरह से समझिए, आप लोग कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 180 बच्चे हैं, ठीक है, और किसी बच्चे की रैंक आती है कि 86वें नंबर पर, तो आप लोग क्या कहेंगे, सही रैंकिंग है या उसकी गलत रैंकिंग है? आप समझ रहे हैं कि मतलब नीचे से वो 86 टॉप कर रहा है लगभग, और उसे को केवल 100 में से कितने 40 अंक मिलते हैं। तो भारत की स्थिति यही है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी खास अच्छी स्थिति है, हमारी बुरी स्थिति है, ठीक है। और आप लोग वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का बिना रिश्वत दिए बिना भ्रष्टाचार कहीं आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। इस वर्ष भारत का भ्रष्टाचार वो सूचकांक में स्कोर 40 रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत को स्कोर क्या मिला था, तो 40 मिला था, कितना 40, और रैंकिंग कितनी है 86, 86वें नंबर पे है, ठीक है, याद रखिए। भारत का स्कोर चीन की तुलना में भी कम है, जिसमें 78वें रैंक के साथ 42 का स्कोर किया है, इसकी बात कर रहा हूं। देखिए यह है चाइना, यानी कि चाइना की स्थिति हमसे अच्छी है, वो 78वें स्थान पर है, कितने 78वें स्थान पर है। जब भी इस तरह के इंडेक्स आते हैं तो अपने पड़ोसियों के बारे में भी याद रखा करिएगा, और टॉप पर कौन है उसे भी याद रखा करिएगा, और नीचे से टॉप कौन कर रहा है उसे भी याद रखा करिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चंस बन जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि हर बार पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि हर परीक्षाओं में आते हैं इनसे क्वेश्चंस, समझ रहे हैं आप लोग।
वहीं आप देखेंगे अमेरिका 67वें स्थान पर है, पाकिस्तान 124वें स्थान पर है, नेपाल 177वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अमेरिका की स्थिति हमसे अच्छी है लेकिन पाकिस्तान की हमसे स्थिति खराब है, 124वें स्थान पर है। नेपाल 170वें स्थान पर है, नेपाल की भी स्थिति क्या है, खराब है। लेकिन हमने बार बार आपसे बोला है कि अगर हमें तुलना करनी है, हमें किसी से बराबरी करनी है, तो क्या पाकिस्तान से करेंगे हम लोग? कभी नहीं। हमें तुलना ही करनी है तो चाइना से करेंगे, अमेरिका से करेंगे, या आप समझिए और अच्छी रैंकिंग जो प्राप्त किए हुए देश हैं उनसे हम बराबरी करेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड और डेनमार्क को 88 के स्थान, 88 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड आपको यहां देखने को मिलेगा, कहां है? न्यूजीलैंड ये है। ठीक है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, डेनमार्क आपको ये देखने को मिलेगा, ये दोनों नंबर वन पे हैं। तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड, माफ करिए, न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर है। भारत का स्थान कौन सा है? 86वें स्थान पर है। आप समझ रहे हैं कि हमसे ऊपर कितने ऊपर है स्विट्जरलैंड, आपका न्यूजीलैंड और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड बड़ा निकलता है मुझसे। सूचकांक में भारत का स्कोर वैश्विक औसत और एशिया प्रशांत दोनों औसत से नीचे भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब भी भ्रष्टाचार सूचकांक में काफी पीछे है। और एक बात और याद रखिए, नीचे से अगर टॉप की आपसे पूछे तो सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर है। आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण सूडान आपका ये है, दिखाई दे रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर आपसे बात करें सोमालिया की तो ये आपको सोमालिया देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक अधिकांश देश अभी भी भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहे हैं, और आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने बार बार कहता हूँ कि आप समझिए कि स्वच्छ भारत अभियान को अगर सफलता मिली है तो मैं कहता हूँ कि कोई भी सरकार होती, मैं सरकारों को 10% योगदान उस सफलता का श्रेय देता हूँ, लेकिन 90% आप लोगों को देता हूँ। हर व्यक्ति ने स्वच्छता अभियान में भागीदारी की है, तब आप समझिए कि इस आंदोलन को हम लोग सफल बना पाए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आप समझिए कि हम लोगों को आजादी तब मिली जब हर वर्ग, हर जाति, हर समूह का व्यक्ति ने, एक तरह से व्यक्ति ने आंदोलन किया, तब जाकर आपने देखा है कि 1947 में आजादी मिली थी। वरना आप 1857-58 का आंदोलन देखिए आप लोग, कि कोई अंग्रेजों का साथ दे रहा था, कोई आप समझिए कि अंग्रेजों की पूरी तरह से मदद कर रहा था। सिंधिया को आप जानते हैं, भोपाल की महारानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रही थी। झांसी की रानी को लो, झांसी की रानी के लिए तो इतना कहा जाता है कि उनको मरवाने में सिंधिया का हाथ था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम करना है तो देश के हर व्यक्ति को उसमें भागीदारी देनी होगी। अगर भ्रष्टाचार भी हटाना होगा तो आप समझिए कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ के आना होगा, तब हम लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकते हैं। याद रहे कि 2019 में भारत इस सूचकांक में 80वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2018 में 78वें स्थान पर था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भारत 2019 में और 2017 तक का कभी कभी पूछ लेता है। तो 2018 में कितने नंबर पर था? 78वें नंबर पर था। यानी कि कहने का मतलब हमारी 2018 में अच्छी स्थिति थी, 2018 के बाद से अभी तक आप समझिए कि हमारी स्थिति गिरती जा रही है। 2019 में हम 80वें स्थान पर पहुंच चुके थे और इस बार हम लोग 86वें स्थान पर पहुंच चुके, यानी कि हमारी स्थिति क्या हो रही है, नीचे गिरती जा रही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसी भी देश में भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को नहीं दर्शाता है। तो एक तरह से ये क्या करते हैं कि इस आलोचना भी होती रहती है, आप लोग भी जानते हैं, आपकी भी आलोचना होती रहती होगी। क्या होता है आखिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये इंडेक्स होता क्या है आखिर करप्शन का? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसी भी देश में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर को मापने हेतु जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शून्य से लेकर आपको 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां शून्य स्कोर वाले देश की को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे साफ माना जाता है। एक तरह से आप समझिए कि 100 नंबर का कोई पेपर रहता है, तो जिसे शून्य मिलेगा आप उसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि सबसे बुरी स्थिति है इसकी। और जैसे 100 में से 99 नंबर मिलते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, इसीलिए तो आप लोगों ने देखा है
न्यूजीलैंड को 88वां स्थान, 88, ठीक है, याद रखिए। अगर आपसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में अगर कुछ पूछे तो आपको याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े सूचकांक निर्धारित भी करता है। यह संस्था कई रिपोर्ट प्रकाशित भी करती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है। इस संगठन के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट और रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो इन सभी के बारे में याद रखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट और रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक, ये जारी करता है। यहाँ आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका मुख्यालय आपको बर्लिन जर्मनी में देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। और इसके अध्यक्ष की अभी करेंट में बात करें तो डेलिया फेरीरा रूबियो है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 मई 1993 को। कब? 4 मई 1993 को। अक्सर क्या होता है कि संस्थानों से आपके क्वेश्चंस या तो उनकी स्थापना डेट पूछ लेता है, तो इसकी क्या है, 4 मई 1993, या फिर उनका मुख्यालय पूछता है तो इसका बर्लिन जर्मनी में मुख्यालय, या फिर पूछ लेता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, या पूछ लेता है आप लोगों से कि ये रिपोर्ट कौन कौन से जारी करता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में याद रखा करेगा। वैसे आपके सभी संगठनों को बता चुका हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण आपके संगठन हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबको हम लोग कवर कर चुके हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, अगर कोई छूटा हुआ हो तो बताइए, उसे भी कवर करवा देंगे, ठीक है। याद,